नमस्कार, इस्तकबाल है आपका नॉनसेंस टॉक न्यूज पे। मैं आपके साथ पल्लव घोष। सबसे पहले मैं बूम्बा मुखर्जी शंकर, जो कि मेरे फेसबुक मित्र हैं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। वो दिल्ली में हैं और कल वो नीब करोड़ी बाबा मंदिर बेला रोड, जो कि ISBT के पास है, वहां पर थे। उन्होंने वहां से एक फेसबुक लाइव साझा किया, जिसके बदौलत मुझे ये जानने को मिला कि दिल्ली सरकार के कुछ लोग नापाक इरादे से वहां पहुंचे हैं और इस मंदिर का जो गेट है, जो कि रिंग रोड की तरफ खुलता है, रिंग रोड के ऊपर खुलता है, उस गेट को बंद करना चाहते हैं। बाकायदा JCB मशीन लाए थे और वहां पे जो मंदिर के जो पुरोहित हैं गोपाल स्वामी, उनको भी वो लोग हिदायत देकर गए हैं कि गेट हम बंद करके रहेंगे। इस बारे में मैं विस्तृत जानकारी आगे दूंगा। तो इस लाइफ के बदौलत मुझे ये मुद्दा जानने को मिला। मैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में हूं, लिहाजा ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं वहां आज नहीं हूं। अगर मैं वहां होता तो जो भी मेरी सीमित क्षमता है, मैं उस सीमित क्षमता के साथ आज उस मंदिर परिसर में पंडित जी और बाकी भक्तों के साथ वहां खड़ा होकर इस नापाक इरादे के खिलाफ प्रतिवाद करता और कोशिश करता कि ये गेट वहां ना बंद हो पाए। इस मंदिर से आपने कई बार मुझे कई सारे वीडियो साझा करते हुए देखा है, कई सारे स्टोरीज की है मैंने इस मंदिर से। ये मंदिर मेरे और मेरे वाइफ के साथ बहुत खास तरीके से जुड़ा हुआ है। हम दोनों ही इस मंदिर में जाते हैं और इस मंदिर की जो हिस्ट्री है वो आपको पता है। फिर भी मैं इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में बाद में आपको बताता हूं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा कि ये मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है। आम लोगों को शायद कैंची धाम का पता है, वृंदावन के मंदिर का पता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है वो लोग ये जान लें कि ये मंदिर, जो कि बेला रोड पर स्थित है, जिसको बेला रोड हनुमान मंदिर भी कहते हैं, ये मंदिर नीब करोड़ी बाबा ने खुद अपने कर कमलों से इसका स्थापना किया था। और सबसे बड़ी बात है कि इस मंदिर में आज भी माना जाता है कि महाराज जी बाबा जी यहाँ पे अधिष्ठान करते, यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हैं। और इस मंदिर में मैंने और मेरे वाइफ ने बाकी भक्तों की तरह चमत्कार होते हुए देखा है, प्रत्यक्ष किया है। कई सारे मिसालें हैं मैं दे सकता हूं, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया भी है। तो जो लोग इस मंदिर में पहुंचे हैं नापाक इरादे से कि इस गेट को बंद कर देंगे, उन लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो सियासी चाल आप खेल रहे हैं, माफ कीजिए, लेकिन मुझे ये कहना पड़ रहा है, मैं मजबूर हूं कहने के लिए, मुझे इसमें सियासत की बू आ रही है। खासकर तब जब केंद्र में NDA सरकार बनी हुई है और यही वक्त, यही टाइमिंग जिसको हम कहते हैं, इनको मिला इस गेट को बंद करने के लिए। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में किसकी सरकार है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट, या जिसको हिंदी में बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग कहा जाता है। इस डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचे, बाकायदा JCB मशीन के साथ पहुंचे और वहां पंडित जी या बाकी भक्तों को उन्होंने साफ कह दिया कि ये गेट बंद होके रहेगा। जब पंडित जी या बाकी लोगों ने कहा कि इस गेट के बंद होने से, क्योंकि उनका कहना है कि वो लोग ये इस वजह से कर रहे हैं कि पानी का जो बहाव होता है बाढ़ के टाइम पे, अब जिन लोगों को इस जगह का पता नहीं है, मैं उनको ये बता दूं कि जब भी जमुना जी में पानी भर जाता है, यानी दिल्ली में जब खतरनाक से खतरनाक बाढ़ आता है, तो ये जगह पूरी की पूरी पानी के नीचे चला जाता है। सिर्फ यही नहीं, मॉडल टाउन तक, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी तक, जो पूरा का पूरा एरिया है ISBT से शुरू करते हुए, बल्कि ITO से शुरू करते हुए, पूरा का पूरा दिल्ली
पानी के नीचे चला जाता है, लेकिन ये साल, ये हर साल नहीं होता है, 4-6 साल में एक बार होता है। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में फ्लड कंट्रोल या बाढ़ नियंत्रण के मद्देनज़र ये इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया या बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के लोग वहाँ पहुँचे थे कल, और उन्होंने पंडित जी और बाकी लोगों को कहा कि ये जो गेट है ये बंद होगा और वो इसको बंद करके रखेंगे, बंद करके रहेंगे। इस विभाग के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज, जो कि पिछले दिनों कई वजह से सुर्खियों में रहे, और उनका एक स्टेटमेंट मैं यहां साझा करना चाहूंगा आपके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कवायद उससे जुड़ी हुई है। उन्होंने पिछले दिनों कहा, क्योंकि बरसात आने वाली है, और उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि इस बार दिल्ली को बाढ़ मुक्त करेंगे, यानी जिन जिन जगहों में, जिन जिन एरियाओं में, जिनको लो लाइंग एरिया कहते हैं या फ्लड का कहर सबसे ज्यादा होता है, उन एरिया को बाढ़ मुक्त करेंगे। तो क्या सौरभ भारद्वाज की जो डिपार्टमेंट है, बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, ये इसी के चलते इस गेट को बंद करना चाहते हैं? तो मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या इस गेट को बंद करने से पानी का जो बहाव है उसको रोक पाएंगे? जब जमुना जी में पानी भर जाएगा, जिसको अलर्मिंग लाइन कहते हैं, जिसको डेंजर लाइन कहते हैं, उसके ऊपर जब पानी बहने लगेगा, जब दिल्ली के बाकी हिस्से जलमग्न हो जाएंगे, तब क्या ये सिर्फ एक गेट बनाने से, मंदिर वाला गेट बंद करने से, क्या वो इस पानी के बहाव को रोक सकेंगे? हैरानी है मुझे इस बात पर कि ये जो दिल्ली सरकार के लोग हैं, जो अपने आप को बहुत 30 मार खान समझते हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उनको ये बेसिक चीज पता नहीं है, साइंस पता नहीं है, या शायद पता है लेकिन सियासत के चलते ये इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं कि पानी का जब बहाव होगा तो वो कोई दीवार को नहीं देखेगा, क्योंकि उसी के साथ सटा हुआ है मोनास्ट्री मार्केट का जो गेट है। मोनास्ट्री मार्केट का गेट इस गेट से मान लीजिए 0.5 किलोमीटर दूर है, उसी रास्ते पर खुल रहा है, तो क्या उस गेट से पानी अंदर नहीं जाएगी? जब भी फ्लड आता है मोनास्ट्री मार्केट भी भर जाता है, मोनास्ट्री मार्केट बंद हो जाता है। आप जाके वहां तिब्बतियों से बात करिए, पूछें, तो वहां तो ये लोग गेट बंद करने का नहीं सोच रहे हैं। सारा का सारा जो कहर है इनका, सारा का सारा जो इनका गुस्सा है, वो मंदिर वाले इस गेट पर क्यों आ रहा है? और एक अहम सवाल, इनका कहना है कि सब कुछ ये बाढ़ को रोकने के लिए या बाढ़ नियंत्रण के लिए कर रहे हैं। चलिए साहब, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आर्ग्यूमेंट से, एक तर्क के खातिर मान लेते हैं कि ये दिल्ली के लिए सोच रहे हैं, और दिल्ली के लिए सोच सोच कर इनका, इनकी रातों की नींद उड़ गई है, और ये दिल्ली को बाढ़ मुक्त करना चाहते हैं, और सबसे पहले जो बाढ़ आता है वो इस एरिया में आता है, मान लेते हैं, तो क्यों ना। और यही बात पंडित जी ने भी उठाया, मेरी उनसे बात हो रही थी, गोपाल शास्त्री जी से, उन्होंने भी उठाया कि क्यों ये लोग जमुना के आसपास बांध नहीं बनाते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र इन वीडियो और तस्वीरों पर दोहराएं, जिससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, या बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग के लोग कल आए और उन्होंने अपना वहां पे वर्चस्व दिखाया, और सबसे
कह रहे हो ये कल रहेगा या ऐसे नहीं, ये आज आज ही रहे, कल उसके ऊपर आराम से पड़ जाएगा, बाहर से बनाओ और ये फंसेगा तो ये। हाँ बिल्कुल 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 यही बिल्कुल ठीक बात है, नहीं फंसेगा ये, बहुत पतला हो जाएगा भाई, नहीं गाड़ी नहीं आराम से निकल जाएगा, वहाँ देख लो भाई ये फंसती है गाड़ी, नहीं फंसती है। आप उन्हें कह दीजिए बात करने के लिए, बात करने के लिए नहीं तो देखो हमारे पिताजी पुल बना था ना, ये मंडी का रास्ता बनवाया था, हमारे पिताजी पुल में जाकर लेट गए थे, आज वो है नहीं हमारे फादरजी, आज हम। और सबसे बड़ी बात मुझे आज पंडित जी से पता चला, और मैं आगे बढ़ने से पहले इस बात को यहाँ उठाना चाहूंगा कि जब पंडित जी ने ये सारे मुद्दे उठाए, पंडित जी ने उनसे विनती की, तो उन्होंने पंडित जी को कहा, और मैं कोट करता हूं कि अंदर के लोगों से हमें कोई वास्ता नहीं है, अंदर के लोगों से हमें कोई सरोकार नहीं है, हम बस सिविल लाइंस और रिंग रोड को बचाना चाहते हैं। यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात है कि अंदर के लोगों से उनको कोई वास्ता नहीं है, अंदर के लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं है। अगर मैं इस बात को दरकिनार कर देता हूं कि एक दीवार उठाने से इनकी यह कवायद पूरी की पूरी मखौल बन के रह जाता है, फिर भी अंदर के लोगों से उनको कोई वास्ता नहीं है, इस बार में इस बात पर माफ कीजिए मुझे सियासत का ही हवाला देना पड़ेगा, क्योंकि जब भी इलेक्शन आता है, जब भी चुनाव आता है, तो अंदर हो या बाहर हो, ये लोग इलेक्टोरेट्स के पास हाथ जोड़कर पहुंच जाते हैं वोट मांगने के लिए। आम आदमी पार्टी का जो हालात है वो साफ है, और मुमकिन है कि अगले चुनाव में, दिल्ली विधानसभा चुनाव में, आम आदमी पार्टी का सफाया हो जाए। तो क्या यही वजह है कि आम आदमी पार्टी को अब अंदर रहने वाले लोगों से कोई सरोकार नहीं है? क्या यही वजह है कि आम आदमी पार्टी अब काम दिखाने के कवायद में ये भी भूल गए हैं कि नीब करोड़ी बाबा या महाराज जी का मंदिर बंद करने से हजारों भक्तों की आह तो लगेगी ही, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि ये मंदिर जागृत माना जाता है, यहाँ पे नीब करोड़ी बाबा महाराज जी स्वयं अधिष्ठान करते हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पर उनका वजूद है, उसको बंद करने से उनका कोई भला नहीं होने वाला। ये सियासत आम आदमी पार्टी किस लिए खेल रही है? क्या अरविंद केजरीवाल के अंदर जाने के बाद आम आदमी पार्टी बिफर गई है? क्या यही वजह है कि इस मंदिर को बंद करके वो दिखाना चाहते हैं कि वो काम कर रहे हैं, वो काम में जुटी हुई है? दिल्ली वालों को आम आदमी पार्टी से ना तो अब कोई लेना देना है, और दिल्ली वालों को ना आम आदमी पार्टी से कोई एक्सपेक्टेशन है। अंदर के लोगों से हमें कोई सरोकार नहीं है। पंडित जी ने आगे यह भी बताया, और भी कुछ अपशब्द उन्होंने बताए जो पंडित जी ने कहा कि मैं अपने जबान पर भी नहीं ला सकता। मैं समझ सकता हूं वो शब्द क्या है। तो आम आदमी पार्टी को अंदर के लोग जो कि महाराष्ट्री मार्केट के अंदर रहते हैं, वो लोग मरे या जिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अब उनसे वोट नहीं मिलेगा। इस पानी के बहाव को रोककर ये इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट या बाढ़ एवं सिंचाई नियंत्रण विभाग क्या साबित करना चाहती है कि एक दीवार बनाने से पानी बंद हो जाएगी, और उसी के साथ जो मनास्ट्री की जो गेट खुला हुआ है वहां से पानी नहीं जाएगा, सिविल लाइन से रिंग रोड को सुरक्षित करने से बाढ़ नहीं आएगा। मैंने जैसे कि मैंने अभी आपसे साझा किया कि आईटीओ से शुरू करते हुए मॉडल टाउन यूनिवर्सिटी एरिया तक पानी भर जाता है। हमारे पल्लव जी और शुरवानी को भी
फाल्गुनी घोष को भी हनुमान जी का माता जी का सदैव शुभ आशीर्वाद। सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीमकोरी आश्रम का जो ये गेट बंद कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि ये पानी का बहाना है, यमुना जी तो जल देखो आता है दो चार दिन के लिए आता है, साल में 360 दिन में जो लोगों को परेशानी होगी उसका इनको तो नहीं देखना, दो चार दिन के लिए जो जल आता है उसके लिए ये लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए इनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन यही कर रहे हैं कि यमुना किनारे पे आप बांध बना दो, जो हमेशा की समस्या हो जाएगी, हमें भी नहीं होगी। दूसरा, इन्होंने एक बहुत गलत शब्द बोला हमें कि अंदर वालों को हमें नहीं पता, वो चाहे डूबें या चाहे उनका और गंदा शब्द था वो मैं फ़ोन पे बोल भी नहीं सकता, कि आप कुछ भी हो आपका हमें कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ रिंग रोड को बचाएंगे, सिविल लाइन को बचाएंगे। तो हमने बोला कि आप यमुना जी के पास में बांध बना लो, अब तो एनडीए सरकार आ गई है, गवर्नमेंट के पास पैसे की भी कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई समस्या है। दूसरा, सिर्फ आप मंदिर को ही आप करना चाह रहे हो, साथ में मनुष्य का गेट आप क्यों नहीं बंद कर रहे हो, क्या वहाँ से यमुना जी का जल नहीं आएगा, क्या हमारे यहीं से आएगा, आगे क्या बोलते हैं हमारे रेड लाइट के पास में सारा ओपन इलाका है, तो यमुना जी का जल या कोई भी जल जो होता है वो समतल चलता है, ये नहीं होता पर्टिकुलर कि एक जगह से नीचे हो जाएगा या एक जगह से ऊँचा हो जाएगा, वो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वो जगह भी नीची है, यदि आप रेड लाइट के पास देखेंगे आगे वहाँ पे पूरा ओपन पड़ा हुआ। मेरी पंडित जी से बात हो रही थी सुबह और पंडित जी ने कुछ सवालात उठाए हैं और मुझे लगा ये सवाल बहुत सटीक है, बहुत प्रैक्टिकल है, और वो सवाल मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। एक, यमुना जी में जब पानी भर जाता है तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा जो एरिया है कश्मीरी गेट का जो एरिया है वहां पानी भर जाता है, तो एक इस गेट को बंद करने से और मोनास्ट्री वाले गेट को छोड़ देने से जो कि इसी के साथ सटा हुआ है, आधा किलोमीटर की दूरी पर है, इस गेट को बंद करने से क्या फ्लड का कहर को रोक पाएंगे? दो, यमुना जी के किनारे पर या यमुना जी जिसको बैंक ऑफ यमुना रिवर कहते हैं वहां पर बांध क्यों नहीं बनाई जा रही है? तीन, ऐसा कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले सकते कि यमुना जी के आसपास इस पानी को रोक दिया जाए ताकि वो शहर में घुस ही ना पाए, जिससे कि बाढ़ या ये जो हालात होते हैं हर साल एक बहुत सारा हिस्सा पानी के नीचे चला जाता है, यमुना बाजार तक चला जाता है, लोथियन ब्रिज तक चला जाता है, कश्मीरी गेट लोथियन ब्रिज जीपीओ के सामने तक उसको रोक सकते हैं। चार, और बहुत अहम मुद्दा जो कि पंडित जी ने उठाया, मैं हैरान हूं कि दिल्ली सरकार के इन शिक्षित अफसरों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि बेसिक साइंस की, विज्ञान का बेसिक, पानी का जो बहाव होता है वो एक सीधे डायरेक्शन में होता है, यानी कैसा भी हो पानी भर भर जाएगा, आप पानी को उस तरह से नहीं रोक सकते, जब तक कि ना उसको आप बोल्डर लगाएं, आप उसको बांध बनाएं, आप पानी को नहीं रोक सकते, पानी के बहाव को। एक गेट, एक दीवार बनाने से और बाकी एंट्रेंस को, बाकी एंट्री पॉइंट को छोड़ देने से आप फ्लड को कैसे रोक सकते हैं? ये जगह जो है ना बाहर, वो अपने मंदिर की फ्लाईओवर के नीचे जुगल किशोर बिरला जी ने जब ये मंदिर का निर्माण करवाया था, 1.275 एकड़ जमीन ली थी, और ये जो पुल बना है, फ्लाईओवर जो बना है, वो भी मंदिर की जगह में बना है। इसका मुआवजा हमें 1980-82 के अंदर हमें मिल रहा था मॉडल टाउन में, तो उस समय एलजी साहब जगमोहन जी थे, जिन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी बाबूजी से कि आप 3,000 गज ज़मीन मॉडल टाउन में ले लो, तो पूज्य पिताश्री ने सीधा बोला जगमोहन साहब एलजी साहब को कि ये ना तो मेरे लिए बन रहा है पुल, ना ये आपके लिए बन रहा है, ये जनहित के लिए बन रहा है, हमें इसका कोई मुआवजा नहीं चाहिए। उस समय राजीव गांधी जी तक ये बात पहुंची थी कि ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने मुआवजा लेने के लिए मना कर दिया,
क्योंकि दरअसल सरकार के ऊपर आप लोग मुआवजा के लिए केस करते हैं कि हमें ज़मीन चाहिए, हमें मुआवजा चाहिए, लेकिन हमारे पूज्य विदाशी ने कहा हमें इसका मुआवजा नहीं दिया। जिस जगह पर ये गेट बंद करने के लिए, मिट्टी डालने के लिए आज बात कर रहे थे, तो अभी इन्होंने फ़िलहाल थोड़ा सा हमें एक जगह आने जाने के लिए दे दिया है, लेकिन सुनने में यह आया या तो लेट नाइट में या ये कल वल के अंदर अपने पूरे बाद में आके ये जैसे भी इनके पास दलबल होगा या जैसे भी इनके पास होगा वो आके करेंगे। हमें इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया था, हमें कोई इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने जो मिट्टी डाली थी तो उस समय हमारे कुछ लोगों ने पूछा था, तो इनसे कहा, इन लोगों ने बताया था कि हम बाढ़ आने पर कट्टे भर के, सीमेंट के कट्टे जो होते हैं ना, खाली कट्टे, उनमें मिट्टी भर के रख देंगे और पानी को रोकने के लिए हमने ये मिट्टी 3-4 दिन से डली हुई थी मंदिर के गेट के पास में, साइड साइड से हम लोग आ रहे थे, तो हमने कहा ठीक है कट्टे भर के रखेंगे, तो हर साल लगाते हैं वो पानी, लेकिन पानी सब हमारे मंदिर के पुल की वजह से ही नहीं रुकेगा, वो हमें पता नहीं उनकी मंशा क्या है। को और धर्म की जहाँ बात आती है ना, हिंदुओं धर्म के लिए, जैसे कि आपने कहा ये पॉलिटिक्स हो रही है, एग्जैक्टली ये हमारे कुछ गलत लोग हैं प्रशासन के अंदर, वो लोग इस कार्य को करवा रहे हैं, तो मेरी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि इसको धर्म को, धार्मिक को हमें ठेस ना पहुँचे और हमारे हिंदुओं के लिए भी ठेस ना पहुँचे, तो इसलिए आप ऐसा कुछ करें कि जो आने जाने का रास्ता भी रहे, चाहे वो यमुना जी के ऊपर पुल बनाएं या थोड़ा मंदिर का रास्ता छोड़ के फिर आगे बनाएं, ये मेरी आपसे है। और ये जो मनुष्य का रास्ता है वो इन्होंने खोला हुआ है, जो मनुष्य के गेट से आप आते हैं ना, उसमें इन्होंने कुछ ना तो मिट्टी डाली है ना शटर डाला है, फिर पुनः एक चाहे आप नीप करोली बाबा के नाम से बुलाना चाहे, चाहे नीप करोली बाबा के नाम से बुलाना चाहे, जो भी नाम आप चाहें, महाराज जी हनुमान जी के अवतार हैं और ये मंदिर बहुत जागृत है। मैं पंडित गोपाल स्वामी शास्त्री श्री हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीपोली आश्रम बेला रोड दिल्ली, जो गुलजारी लाल नंदा जी होम मिनिस्टर साहब थे, गृह मंत्री 1965 में 4 दिसंबर 1965 को गुलजारी लाल नंदा जी ने इस मंदिर का शिलान्यास किया था। महाराज जी ने छोटे वाले हनुमान जी हैं जो यहीं से प्रकट हुए थे। अभी कुछ दिन पहले आप सभी को ज्ञात होगा हमारे उपराष्ट्रपति साहब जगदीप धनखड़ जी कैंची धाम के भी दर्शन करके आए थे, और इस समय तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देखें तो आज हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है। तो मैं चाहूँगा प्रशासन से और सभी भारतवर्षी निवासियों से कि हम मंदिर जो हनुमान बिरला मंदिर बाबा दीप पूर्वी आश्रम 1961 का ये जो बना हुआ है, इसका मंदिर का रास्ता ना बंद किया जाए। जिस स्थान में हम खड़े ये जगह भी मंदिर की जगह थी, जब ये पुल बना तो उस समय जगमोहन साहब थे, हमें अच्छे से ज्ञात है, राजीव गांधी जी थे, वहाँ तक बात पहुँची थी, 3,000 गज जमीन हमें मुआवजा दे रहे थे मार्डर टाउन के। तो हमारे पूज्य पिताश्री श्री नारायण बाबा जी ने जगमोहन साहब जो एलजी थे उस समय उनसे बोला कि क्या आप के लिए मंदिर बन रहा है, ये पुल बन रहा है? उन्होंने कहा जी नहीं। क्या मेरे लिए पुल बन रहा है? उन्होंने कहा नहीं जी, आपके लिए नहीं। तो हमारे पूज्य पिताश्री श्री नारायण बाबा जी ने कहा था ये पुल बन रहा है जनहित के लिए, इसका हमें कोई मुआवजा नहीं। जिस स्थान पर हम आज खड़े हुए हैं ये हनुमान बिरला मंदिर का, आज प्रशासन की तरफ से मंदिर का गेट बंद किया जा रहा है, रास्ता बंद किया जा रहा है। तो हमारे जो भी यहाँ तत्कालीन इस समय सरकार है, प्रशासन है, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हनुमान बिरला मंदिर बाबा नीपोरी आश्रम जो विश्व विख्यात है माता जी का स्थान, उसको बंद ना किया जाए। हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी इस डिपार्टमेंट में लोग हैं उनके लिए हाथ जोड़ के निवेदन है। यदि आपको कुछ भी आप बनाना है तो या आप चाहे आप रोड की तरफ चले जाएं, चाहे जमुना जी की तरफ चले जाएं, वहाँ पे जमुना जी का, क्योंकि मैंने अभी सुना है ये लोग कह रहे हैं कि यमुना जी का जल नहीं आना चाहिए, तो हाथ जोड़ के इन लोगों से भी निवेदन है यमुना जी का जल कोई नहीं रोक सकता मदर, और यदि रोकना ही है तो एलजी साहब से भी हाथ जोड़ के निवेदन है बिल्कुल यमुना जी के पास में पुस्ता बनाएं, बांध बनाएं, जिससे कि और सब जगह होते उस हिसाब से बनाएं। जय श्री राम, जय माता जी। आखिर में इतना कहना चाहूंगा कि ये मंदिर जैसा कि मैंने कहा बहुत जागृत है, और यहां माना जाता है कि बाबा जी आज भी यहां पे हैं, चमत्कार होता है। और इस मंदिर को, इस मंदिर के गेट को बंद करने से, जैसा कि पंडित जी ने कहा, जो गौशाला है
या जो मंदिर के लिए जो जरूरी सामान आते हैं वो इस गेट से आते हैं। हालांकि पहले ही इस गेट को इतना ऊंचा कर दिया गया है रास्ते को कि यहाँ पे ट्रक की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर कोई भी थोड़ा ऊंचा गाड़ी या कोई भी गाड़ी के ऊपर बैठकर जाए तो लाजमी है कि उसका सर जो फ्लाईओवर वाला दीवार है उसके साथ टकराएगा। उस फ्लाईओवर के नीचे की दीवार में ऐसे कई सारे आपको खरोंचे मिल जाएगी। तो इस गेट को बंद करने से जो दिक्कतें होंगी मंदिर के भक्तों को या पंडित जी या उनके परिवार को, उसको अगर कुछ देर के लिए हम दरकिनार भी करें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल्ली सरकार से मेरी विनती है, सियासत को कुछ देर के लिए अलग रखें, सियासत को कुछ देर के लिए इस मुद्दे में ना लाएं। यह धर्म का मुद्दा है, यह विश्वास का मुद्दा है और आखिरकार इन्हीं लोगों के पास आपको वोट मांगने भी जाना है। इस गेट को बंद करने से मंदिर में आने वाले ऐसे कई भक्तों को दिक्कत होने वाली है, वो लोग नहीं आ पाएंगे। मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये बस मंदिर नहीं है, ये सिर्फ मंदिर नहीं है, यहां पे महाराज जी रहते हैं, यहां पे महाराज जी का अधिष्ठान है, यहां पे महाराज जी का वास है। आज भी चमत्कार होते हैं। मैं आम आदमी पार्टी से, स्क्वायरली आम आदमी पार्टी से ये रिक्वेस्ट करता हूं, सौरभ भारद्वाज जी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज अपने लाभ लश्कर को कह दीजिए कि ये जगह छोड़ दे, क्योंकि इस दीवार को उठाने से या ढहने से बाढ़ के पानी को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप किताबी डॉक्यूमेंट्स को देख के कर रहे हैं तो मेरी आपसे इल्तिजा, मेरी आपसे विनती है कि मंत्री जी एक बार आप स्वयं इस मंदिर में जाएं, ग्राउंड जीरो पर जाएं और जाकर देखें जमीनी हकीकत क्या है, यहां के पंडित जी से बात करें। बहुत सज्जन आदमी है यहां के पंडित जी गोपाल शास्त्री। ये मंदिर ऐतिहासिक है, ये मंदिर नीप करोड़ी बाबा के द्वारा, उनके करकमलों द्वारा स्थापित की गई है। इस मंदिर को ना छेड़े। हजारों भक्तों जो लोग यहां आते हैं उनकी आह ना ले। कैसा भी आम आदमी पार्टी से डायरेक्ट विनती थी और आखिर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि एनडीए की सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ, इन लोगों से मेरी विनती है कि इस मुद्दे को सीरियसली ले। और सबसे पहले मैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना साहब से ये विनती करूंगा कि वो खुद इस मुद्दे को देखें। आप ही के आसपास का मुद्दा है साहब, आप राजपुर रोड पर हैं, ये सिविल लाइंस में है। इस मुद्दे को स्वयं देखें, आप स्वयं यहां आए और ये जो गेट को बंद करने की कवायद चल रही है, मंदिर के भक्तों को या यहां के पंडित जी को जो डराए धमकाने की जो कोशिश जारी है और कहा गया है कि अंदर के लोगों से कोई सरोकार नहीं, हम बस सिविल लाइंस और रिंग रोड को बचाना चाहते हैं, इस मुद्दे को देखें। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मेरी विनती है कि आप स्वयं इस मुद्दे को देखें और इस गेट को बंद होने से रोकें और ये जो नापाक इरादा इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट या बाढ़ एवं सिंचाई विभाग के कार्यकर्ता दिखा रहे हैं, इसको विफल करें और इसको ना होने दें। जय नीप करोड़ी बाबा, जय महाराज जी, जय हनुमान जी, जय श्री राम। मैं पल्लव घोष, डॉनसन स्टॉक न्यूज के लिए।